हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुशी किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रोज़ मोमोज। हाँ फ्रेंड्स, रोज़ मोमोज बनाएंगे और मोमोज के साथ सर्व किए जाने वाली तीखी टमाटर की चटनी। तो आप सब पूरा वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मोमोज का चटनी बनाने के लिए मैं ये लाल मिर्च है चार और चार टमाटर को मैं काट के उबाल दी थी 5 मिनट के लिए। अब ये टमाटर का हम छिलका निकाल देंगे, ऐसे टमाटर का हम सारा छिलका निकाल देते हैं और इसको मिक्सी के जार में रख लेते हैं। ऐसे हम सारे टमाटर का छिलका निकाल के और मिक्सी के जार में रख के और ये मिर्ची भी हम इसमें डाल देंगे और इसको पीसना है। देखिए, मैं टमाटर का छिलका निकाल दी थी और मिर्ची भी इसमें डाल के मिक्सी के जार में रखी हूँ। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। गैस पे मैं कढ़ाई रखी हूँ, इसमें 1 चम्मच जितना तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देती हूँ। और अदरक थोड़ा सा डाल देते हैं। अदरक लहसुन को थोड़ा सा हम पका लिए हैं 1 मिनट के लिए। अब इसमें हम ये टमाटर का पेस्ट रख रहे हैं। एक चम्मच सोया सॉस रख रहे हैं इसमें। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। अब 1-2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। 1 चम्मच विनेगर डाल देते हैं। मोमोज चटनी बनके तैयार है। ये ठंडा होने पे थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। मोमोज का फिलिंग के लिए मैं 1 प्याज को बारीक काट के रखी हूँ और 1 मिर्च है हरा मिर्च और ये 1 बॉल पत्ता गोभी को मैं बारीक काट के रखी हूँ और ये 1 बॉल पनीर है, इसको मैं घिस के रखी हूँ। गैस पे मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। अब इसमें मैं 1 चम्मच जितना तेल डाल देती हूँ। तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं हरा मिर्च डाल रही हूँ। और ये बारीक कटा हुआ प्याज। इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें मैं पत्ता गोभी डाल देती हूँ। और ये पनीर डाल देती हूँ। इसको 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसको 1 मिनट के लिए मैं भून ली। अब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं सबको। मोमोज का फिलिंग मैं बना ली। अब गैस बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक हम आटा लगा लेंगे मोमोज का। मोमोज का डो मैं बना लेती हूँ, इसके लिए मैं 1 कटोरी मैदा छान के रखी हूँ।
इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिला के और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो बना लेंगे। सॉफ्ट डो में बना ली, अब इसका हम मोमोज बनाते हैं। डो में से मैं थोड़ा सा पार्ट ले ली, अब इसका गोला बना लेते हैं ऐसे, और थोड़ा सा सूखे मैदे में मैं इसको लपेट लेती हूँ और इसका एक रोटी, पतला रोटी बना लेते हैं। मैं रोटी बना ली, ये देख सकते हैं आप, मैं बहुत पतला रोटी बनाई हूँ। अब इसको हम काटेंगे, तो काटने के लिए मैं ये ग्लास रखी हूँ, देख सकते हैं ये बड़ा है और एक छोटा है, और एक मैं ये ढक्कन रखी हूँ, बोतल का ढक्कन है, इसे काटेंगे। देखिए एक बड़ा है और एक मीडियम है और एक छोटा है, मैं तीन बड़े मीडियम और छोटे साइज के कट करके रखी हूँ। अब बड़े के ऊपर ये मीडियम वाला मैं रख रही हूँ और इसके ऊपर ये छोटा वाला रख देते हैं। अब हम इस पर मोमोज का स्टफिंग लगाएंगे बीच में। और इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर देते हैं। ऐसे थोड़ा सा इसको दबा देंगे स्टफिंग को। अब इसको ऐसे फोल्ड मोड़ते जाएंगे। ये देखिए रोज़ मोमोज मैं बना रही हूँ, तो ये रोज़ बन गया है। ऐसे ही फिर और हम बना लेते हैं। मैं बना के बता रही हूँ, ये बड़ा है, इसके ऊपर मैं मीडियम वाला रख रही हूँ और इसके ऊपर ये छोटा वाला। अब इसके बीच में हम स्टफिंग लगा देते हैं। इसको मोड़ देंगे, बीच से फोल्ड कर देते हैं। थोड़ा सा स्टफिंग को दबा देंगे। और ये छोटा वाला साइड है, इस तरफ से हम इसको राउंड मोड़ेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा खोल देते हैं। एक बर्तन में मैं 1 गिलास पानी रख के गर्म होने के लिए रखी हूँ। इसमें मोमोज रख के और इस पे रख के स्टीम करेंगे 15 मिनट के लिए।
पानी में उबाल आ रहा है, इसमें हम ये मोमोस रख देते हैं और इसको ढक देंगे। गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और 15 मिनट तक इसको स्टीम होने देते हैं। 15 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं मोमोस अच्छे से पक गया है। अब इसको निकाल लेंगे और हम दूसरा बैच रख देंगे। ये देखिए मैं दूसरा बैच भी रख दी स्टीम होने के लिए, इसको भी 15 मिनट तक स्टीम होने देते हैं। 15 मिनट हो गया है, ये भी अच्छा से पक गया है। अब हम सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रेड टमाटर की तीखी चटनी के साथ मैं मोमो सर्व करने जा रही हूँ।